गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारा अब न्यू चैप्टर होगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं उसकी डिफिनीशन से। सारी डिफिनीशन यहाँ पर मैंने लिख दी है, तो देखते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर डिफाइंड एज दी रिएक्शन दैट अकर बाई कंसर्ट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज दी सिंपल गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज कंसर्टेड रिएक्शन दैट मीन्स रिएक्टेंस बॉन्ड आर ब्रोकन एंड प्रोडक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन इन साइमल्टेनियसली। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर डिफाइंड एज द रिएक्शन दैट अकर कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को डिफाइन किया जाता है कि वो रिएक्शन जब होती है उसमें कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन होता है। कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होती है, वो साइक्लिक में मूव करता है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज ए सिंपल गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। और इसमें क्या कह रहा है, इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंसर्टेड रिएक्शन दैट अकर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। इसको आगे जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे डिटेल्स में, पहले यहाँ पर सिर्फ डिफिनीशन बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी जो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फॉलोड कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब क्या होगा, वही बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा हमारा वो साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा। अब जब दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टेक प्लेस थर्मल यानी हीट के कंडीशन में, हीट का सिंबल ये होता है, और फोटोकेमिकल की कंडीशन में HNO, उसमें UV लाइट की कंडीशन में चाहिए होती है। अब इसमें यह कह रहा है कि यह रिएक्शन दोनों कंडीशन में लागू होती है, थर्मल कंडीशन में भी और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी। फोटोकेमिकल में हमें जो लाइट चाहिए होती है वो यूवी लाइट के हम करते हैं। और जब तीसरा हमारा पॉइंट है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। इसमें आयनिक या फिर कोई फ्री रेडिकल या फिर इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता है, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, दे डू नॉट इफेक्ट बाई सॉल्वेंट चार्ज बाई ए कैटलिस्ट। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, कोई कैटलिस्ट है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है, अगर कैटलिस्ट पर हमारा कुछ चार्ज है तो वो सॉल्वेंट पर कैटलिस्ट पर कोई चार्ज, जब रिएक्टेंट इस पर कोई उस पर कोई चार्ज है तो इस पर कुछ असर नहीं करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपना चलेगा। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट है वो 100% प्रोडक्ट होगा, उसका कोई जैसे कि मेजर या माइनर प्रोडक्ट नहीं होगा, वो स्टीरियो स्पेसिफिक में यही कहने का मतलब है कि वो जो भी प्रोडक्ट बनेगा हमारा 100% प्रोडक्ट बनेगा। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, तो जनरली मेनली तीन टाइप की होती है जिसे हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लोएडिशनल रिएक्शन, सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन। तो ये तीनों अगर आप MSc के सिलेबस से देखेंगे तो ये तीनों ये एक यूनिट में आती है, ये दूसरी यूनिट आती है, ये तीसरी यूनिट आती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो होती है वो तीन यूनिट को कवर करती है। अब बात करें नेट के सिलेबस की, तो इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमें ये सब एक ही में पढ़ना होता है। तो अब बात करते हैं दूसरी, तो हम देख लेते हैं सिमेट्री। पेरिसाइक्लिक में जो कुछ सिमेट्री हमें इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं, जैसे कि सिमेट्री इन पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ए पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल पॉसेसेस आइदर मिरर प्लेन सिमेट्री या और सेंटर ऑफ सिमेट्री। बोथ सिमेट्रीज आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर इन ए गिवन पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसमें क्या कह रहा है कि पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होती है उसमें पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिमेट्री जो होती है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगी। तो मिरर प्लेन सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारी क्या होती है, ये रहा हमारा मिरर प्लेन सिमेट्री और ये रहा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मिरर प्लेन सिमेट्री के लिए हम पहले मॉलिकुलर ऑर्बिटल पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। तो इसमें पहले हम सेम साइन देंगे, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस, या तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें प्लस कर दें, इसमें माइनस कर दें, इसमें माइनस, इसमें प्लस, ये दो तरीका है बनाने का। अब इसमें क्या है कि अब इसमें हम एक परपेंडिकुलर प्लेन पास करेंगे इसे,
यहाँ से अगर हम कोई प्लेन ऐसे पास करें यहाँ बीच से, तो इस प्लेन के जो इधर है भाई इधर है, जैसे कि इधर ये प्लस ये माइनस और इधर ये प्लस ये माइनस, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। और प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में लिखते हैं, मिरर प्लेन सिमेट्री को स्मॉल एम ब्रैकेट में कैपिटल एस, ये हो जाएगी मिरर प्लेन सिमेट्री। अगर किसी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर मिरर प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उसमें सी टू सिमेट्री जो होती है वो मिरर प्लेन सिमेट्री होती है, तो सी टू ए सिमेट्री होती है। अब बात करते हैं इसकी, अब इसके बीच में सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसके बीच में एक सेंटर पहले मानेंगे हम ये सेंटर, अभी सेंटर से हमें इसको रोटेट करना है, यहाँ से एक एक्सिस पास करेंगे और इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे घुमाएंगे, ये नीचे वाला प्लस जो है वैसे घूम कर ये ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाला वैसे घूम के नीचे चला जाएगा, जब इसको आप घुमाएंगे फिर ये वाला माइनस जो नीचे आएगा और ये माइनस वाला जो घूम के उस माइनस पर चला जाएगा, तो इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, यानी कि ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला आएगा, तो इसमें सी टू ऑफ सिमेट्री है, इसको लिखेंगे सी टू और सिमेट्री के लिए यस ब्रेकर में, तो सी टू सिमेट्री होती है तो उसमें मिरर प्लेन एसिमेट्री होती है। ये हो गया हमारा मिरर प्लेन सिमेट्री, ये होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बात कर लेते हैं नोड्स की, जिसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें, नोड्स एंड वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को हम लिखेंगे शाही से, तो देख लेते हैं दी वेव फंक्शन साई एन विल बी एन माइनस वन नोड। अगर हमारे पास इसका एक एग्जांपल देखें, पहले पूरा देखें, दी वेव फंक्शन साई एन विल बी एन माइनस वन नोड, और नोड्स निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस वन। एक एग्जांपल है इसको देखें, अगर हम अगर मान लें शाही एन है तो नोड्स कितना होगा एन माइनस वन, अगर मान लीजिए कि शाही फोर तो ये तो यहाँ पर होता था शाही एन तो होता था एन माइनस वन, तो एन की जगह पर है एन की जगह पर है फोर, तो एन इज इक्वल टू फोर हो जाएगा यहाँ पर, और इस फोर को इस फार्मूले में अगर रखें नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन की जगह कितना आया हमारा ये फोर, और फोर यहाँ पर रखेंगे फोर में जाएगा गया नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू यहाँ पे चार, चार में जाएगा तीन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ नोड्स हमारा। अब दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या, व्हेन एन इज इवन, जो यहाँ पर एन दिया होगा यहाँ पर अगर ये इवन है, व्हेन एन इज ऑड, पहले ऑड देखते हैं, देन शाई एन विल बी मिरर प्लेन सिमेट्री सी टू ए सिमेट्री। अगर यहाँ पर ऑड है जैसे कि शाई वन शाई वन शाई थ्री शाई फाइव, तो इस तरह का अगर कुछ है तो हमारे पास मिरर प्लेन सिमेट्री होगी और सी टू ए सिमेट्री होगी। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, When n is even, then psi n will be C2 symmetry और mirror plane symmetry। अगर psi इसकी जगह आया यहाँ पर 2, 4 या फिर 6 इस तरह से कुछ even होगा तो उसमें C2 symmetry होगी और mirror plane symmetry होगी। ये पूरे हम इसको एक टेबल में देख सकते हैं, टेबल में भी वही चीज़ है, वे फंक्शन यह नोड्स और यह mirror plane symmetry, mirror plane है उसके लिए जो होगी इधर symmetry होगी इधर asymmetry, ये C2 इधर asymmetry इधर symmetry। वो कब होगा, जब हमारे पास psi odd होगा जैसे कि 1, 2, 3 और उसका नंबर ऑफ नोड्स कितना आएगा, जब यहाँ पर शाही 1, 2, 3 इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे तो जीरो आएगा या तो फिर इवन आएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ यन की जगह एक रखें, यहाँ पर शाही 1 है तो यन इक्वल टू 1 है, यहाँ पर एक रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 में तो दो में से एक जाएगा एक आएगा, यानी कि यहाँ पर 2 नहीं होगा 1, 3 और 5। तो अगर हम 3 को अगर यहाँ पर रखें 3 में से गया 2 इवेन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 या इवेन आता है तो मिरर प्लेन सिमेट्री और सी टू ए सिमेट्री। और शाही इवेन क्या है, शाही इवेन तो हमारा या तो हो यहाँ पर 2 या तो 4 या तो 6, अगर हम 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 में से गया 1 आएगा, या तो अगर हम इसको इनकी जगह पर 4 रखें 4 में से एक जाएगा 3, यानी कि ऑड आएगा, तो अगर ऑड आता हमारा F1 या ऑड आएगा तो मिरर प्लेन सिमेट्री हो जाएगी और C2 सिमेट्री हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं एक दूसरी सिमेट्री कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की, सिमेट्री इन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या है, जैसे कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो इसको हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डेफिनेशन, डायरेक्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले एक सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है ना, सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड इसी तरह के ऑर्बिटल से बना होता है ना, प्लस और ये प्लस
ये माइनस दोनों साथ में हो, तो इसमें यहाँ जाकर मिरर प्लेन अगर आप डालो परपेंडिकुलर इसके, तो क्या होगा? ऐसे अगर आप डालोगे तो इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री होगी। और अगर हम इसी के सेंटर से एक एक्सिस पास करें, यहाँ से सी टू सिमेट्री अगर हम देखें, तो अगर हम इसको ऐसे ऐसे डाल के इसको ऐसे रोटेट करें, तो ये ऐसे रोटेट होकर ये वाला माइनस वाला ये रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगा, और ये माइनस वाला ऐसे रोटेट होकर इधर चला जाएगा, और ये ऐसे होगा तो ये वाला इधर आ गया इधर, तो फिर ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है और सी टू भी सिमेट्री है। इससे पहले मैंने देखा बताया था कि जहाँ पर मिरर प्लेन सिमेट्री होती थी वहाँ पर सी टू एसिमेट्री होती थी, और जहाँ पर सी टू सिमेट्री होती थी वहाँ पर मिरर प्लेन एसिमेट्री होती थी। लेकिन ये कार्बन कार्बन सिग्मा बांड वाले में जो है वो मिरर प्लेन सिमेट्री भी होती है और सी टू सिमेट्री भी होती है, लेकिन अगर दूसरा वाला होगा उसमें मिरर प्लेन अगर एसिमेट्री होगी तो सी टू भी एसिमेट्री होगी। दूसरा वाला हम यहाँ पर ड्रा करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम प्लस करें, यहाँ पर माइनस करें, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर ना तो सी टू सिमेट्री है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर प्लेन ड्रा करेंगे, ये प्लस है इसके बगल वाला माइनस आ जा रहा है, और ये वाला माइनस और इधर वाला प्लस हो जा रहा है, तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर इसको आप इधर रोटेट करेंगे, ये प्लस है ये घूम कर इधर आएगा, अगर ये घूम के इधर आएगा तो इधर माइनस है, तो इधर से इसमें सी टू भी सिमेट्री नहीं है। तो इसमें क्या है, मिरर प्लेन एसिमेट्री है और सी टू एसिमेट्री है। वही चीज़ इस टेबल में है। ये ऑर्बिटल अगर आपका यहाँ पर अगर प्लस प्लस होता है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग, और यहाँ पर अगर प्लस माइनस होता है तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिग्मा तो मिरर प्लेन सिमेट्री होगी, सी टू सिमेट्री होगी। अगर सिग्मा स्टार है तो मिरर प्लेन एसिमेट्री और सी टू भी एसिमेट्री होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।